और आइए आपको ले चलते हैं सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन की ओर जो लखीमपुर खीरी में इस वक्त जारी है। अन्यथा ये लोग आपकी सुरक्षा पे सेंध लगा लेते हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। अच्छा मुझे बताओ, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन किया? इधर काफी बड़ी संख्या है, काफी बड़ी संख्या है। और बहनों और भाइयों, जैसे अयोध्या नई अयोध्या बन रही है, बन गई है, लाखों लोग आ रहे हैं, ऐसे ही जैसे काशी विश्वनाथ धाम आज जगमगा रहा है, ऐसे ही छोटी काशी को भी बाबा गोला गोकर्ण नाथ के पावन स्थली को भी हम लोग उसी सुंदरीकरण के साथ जोड़ने का काम करने जा रहे हैं। एकदम स्वीकृति है, 4 लेन की कनेक्टिविटी के बाद यही गलियारा और एक एक व्यापारी को भी पुनर्श्वास करके उनको बसाने का काम भी होगा। किसी को उजाड़ना नहीं, हम तो बसाने का काम करते हैं। बहनों और भाइयों, यह केवल राम भक्ति ही कर पाएंगे, रामद्रोही नहीं कर पाएंगे। ये रामद्रोही तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय आपने देखा होगा, हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, व्यापारी और बेटी दोनों असुरक्षित थी, प्रदेश में किस प्रकार की अराजकता थी ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और कांग्रेस के समय देश की सीमाओं में घुसपैठ होती थी, वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान बचा नहीं रह गया था, देश के अंदर आतंकवाद नक्सलवाद सिर चढ़कर के बोल रहा था, विकास के कार्य ठप पड़ गए थे। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, विकास के कार्य भी ठप थे और गरीबों को मिलने वाली जो सहायता है ना, आज जो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत। किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर, 4 करोड़ गरीबों को मकान, जो ये लाभ मिल रहा है ना, ये मोदी जी ने आपको जो लाभ दिलाया है कांग्रेस के समय और समाजवादी पार्टी के समय में, इन्हीं सब योजनाओं पे लोग सेंध लगा करके बंदर बांट कर देते थे, जिससे गरीब को नहीं मिल पाता था। बहनों और भाइयों, हाईवे नहीं बनते थे, रेलवे का काम नहीं हो पाता था। अब तो आपके यहां भी हाईवे भी है, रेलवे भी है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज में आपके यहां श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी लखीमपुर खीरी का हो चुका है। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है,